नमस्कार। आज मैं आपको छुहारे के गुण बताऊंगा। सबसे पहला गुण, छुहारा कब्ज नाशक होता है। छुहारे को 2 पीस आप सुबह पानी में भिगो दीजिए, रात के टाइम उसे गर्म दूध के साथ खाने से कब्ज की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ये दिल के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर वसा कम होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से दिल की मांसपेशियों को ताकत भी देता है। छुहारा पाचन शक्ति बढ़ाता है। एसिडिटी, जिसमें कलेजे में जलन बनती है, पेट में अंतड़ियों में छोटी आंत या बड़ी आंत में अल्सर हो जाता है, उन सब को ठीक करता है, उन सब के लिए फ़ायदेमंद होता है। छुहारे के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है, जिससे ऊर्जा ज़्यादा आती है और सहन शक्ति बढ़ाता है। कई बार बच्चों को कुछ कह दो तो एकदम उल्टा रिएक्ट करते हैं, या आजकल बड़े को भी देखो कुछ बोल दो तो उसका वो उल्टा रिएक्शन करते हैं। तो ये मेंटली सहन शक्ति भी और शारीरिक सहन शक्ति को भी बढ़ाता है, यहाँ तक कि यौवन शक्ति को भी बढ़ाता है, जिसमें कि काम शक्ति ऊर्जा इसमें बढ़ती है। छुहारे में स्किन को ठीक रखने के भी गुण पाए जाते हैं। जिनको स्किन एलर्जी की दिक्कत होती है, या जिनको झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जिनको झाइयाँ पड़ जाती हैं और जिनकी उम्र समय से पहले लगते हैं, जैसे बुजुर्ग लगने लग रहे हैं, तो उनके लिए भी छुहारा काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। छुहारे के अंदर बालों को पोषण देने के तत्व भी पाए जाते हैं। जिनके बाल झड़ते हैं, दो मुहे बाल हैं, बाल रूखे ज़्यादा हैं, ये बालों को स्कैल्प से लेके पूरे लास्ट तक पोषण प्रदान करता है, जिससे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, दो मुहे ठीक हो जाते हैं। छुहारे का इस्तेमाल किसको नहीं करना चाहिए? शुगर पेशेंट को नहीं करना चाहिए। इसके बाद छुहारे को पानी में भिगो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका पित्त वर्धक शरीर है तो वो 2 पीस रात को पानी में भिगो दें, सुबह खाली पेट खाएं। जिनका नॉर्मल शरीर है, कफ वर्धक है, वात वर्धक है, वो दूध में उबाल के ले सकते हैं या नॉर्मल चबा के ऊपर से दूध ले सकते हैं। अब कितनी मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि मात्रा से ज़्यादा लेना भी नुकसानदायक होता है। बड़ों के लिए 2 पीस सवेरे, 2 पीस शाम को छुहारे दूध में उबाल के या चबा के खाना फायदेमंद है। बच्चों को दूध में उबाल के ही दें, क्योंकि बच्चों की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, कई बार वो इसे नहीं पचा पाते, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, गैस बन जाती है ये, या दस्त लग जाते हैं, तो उनको दूध में उबाल के ही दें और उनको मात्रा कम दें, आधा छुहारा या 1 छुहारा, उम्र के अनुसार जैसे बच्चे को पचे उस हिसाब से दें।